के क्या हमारी माताएं आई है, बहनें आई है, इनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, कोई भी हो, बिहार में दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट का हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, अगर 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी है, उसका नाम न्याय योजना में सीधा चला जाएगा और डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में, महिला के बैंक अकाउंट में, घर की जो महिला है उसके बैंक अकाउंट में हर महीने खटाखट 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 के साथ। अब देखिए, ये सिर्फ गरीबों को मदद करने का तरीका नहीं है, कांग्रेस पार्टी सोचकर काम करती है, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है, न्याय योजना के पीछे बहुत गहरी सोच। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता से पैसा छीनकर अनिल अंबानी को दिया, दुकानदारों से पैसा छीना, माताओं से, बहनों से, युवाओं से, किसानों से पैसा छीन कर दिया। जब उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, आपने माल खरीदना बंद कर दिया, आपने माल खरीदना बंद कर दिया, फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद कर दिया, फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद कर दिया। जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे उनको फैक्ट्री के मालिकों ने निकाल दिया, जो फैक्ट्री के सामने चौकीदारी करते थे बिहार के युवा, उनको कहा भैया तुम जाओ वापस बिहार, मोदी जी ने फैक्ट्री बंद करा दी, आपके जेब में से पैसा निकाला, सबकी सब फैक्ट्री बंद हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में।